लेकिन वो शहबाज शरीफ चला गया IMF से मुआहदा करने, तो मैं उससे मुतालबा कर रहा हूँ कि जो उसने अपनी भतीजी या और कोई बयानी है मेरे साथ ब्याह दे, ताकि मेरे बिल देने में तो आसानी हो ना, मेरे पास तो इतने वसाइल नहीं है कि बिल दे सकूँ। अमित सराजुल हक साहब ये ऐलान कर दें कि 6 माह यहीं पर बैठना है, तो आप बैठे रहेंगे? बैठे रहेंगे इंशाल्लाह, हम साल तक भी बैठे रहेंगे इंशाल्लाह। जमात इस्लामी है, दूसरे नंबर पे लोगों के पास एक ही ऑप्शन है, दो ऑप्शन है, या तो खुदकुशी करे या घर से बाहर निकले और इन हुक्मरानों को गिरबान से पकड़े और घसीट के नीचे उतार दें। ये आवाम को रिलीफ नहीं दिलवा देती, ये धरना भी जारी रहेंगे और ये तहरीक भी जारी रहेगी, और सराजुल हक साहब की क्यादत में हम इंशाल्लाह हुकूमत को मजबूर कर देंगे कि वो बिजली के अंदर भी रिलीफ दें और इलेक्शन भी करवाएं। इस वक्त आप दे सकते हैं कि ये गले में रोटियां डाल के जो है ना वो एहतजाज कर रहे हैं, और ये हाथ में उनके प्ले कार्ड है कि जुल्म की इंतहा, बिजली, पेट्रोल और गरीब की मौत है। ये सख्त सूरत हाल बन चुकी है, हर शख्स परेशान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान ज़िशार अल्बानी आपकी खिदमत पे हाज़िर, और आप देख रहे हैं पायनियर वर्ल्ड न्यूज़। देख सकते मौजूद हूँ मार रोड गवर्नर हाउस के बिल्कुल बाहर, जहाँ पर जो है आज अमीर जमात इस्लामी सराजुल हक के हुक्म पर जो है जमात इस्लामी लाहौर और कारकुनान की बड़ी तादाद जो है सख्त मार रोड पर जो है वो धरना दे चुके हैं। इस वक्त जो महंगाई जो है वो बढ़ती जा रही है, उसके साथ साथ जो है बिजली के बिलों में जिस तरह इजाफा किया गया, इस हवाले से जो है आज जमात इस्लामी जो है इस वक्त मार रोड पर जो है वो धरना दे चुकी है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि तहद अवाम ही अवाम है। हम लोगों से बात करेंगे और जमात के जो अमीर हैं और जो लाहौर के जो इनके कारकुन रहनुमा हैं, कारकुनान हैं, उनसे बात करेंगे कि वो इस धरने के हवाले से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, कहाँ से? मुस्तफाबाद कसूर से। कसूर से आप आए, मुझे बताएँ कि आज का ये जो धरना दिया गया, इसका मकसद क्या है और इस ये धरना कितने दिन तक जारी? पहली बात तो ये कि इसका आपने मकसद पूछा है कि इसका मकसद क्या है। आपको पता है बिजली के बिलों में इजाफा है, फिर और एक्स्ट्रा जो यूनिट डाले जाते हैं उनकी वजह से बिजली के बिल बहुत बढ़ गए हैं, डॉलर नीचे आ रहा है और जबकि पेट्रोल की प्राइस ऊपर जा रही है। दुनिया में पेट्रोल सस्ता हो रहा है, पाकिस्तान में महंगा हो रहा है, ठीक है। महंगाई की चक्की में पिस गए हैं वहाँ, गरीब आवाम के लिए दो वक्त की रोटी खाना मुश्किल हो गई है, तो वो क्या करें? धरना ना दें तो और क्या करें, कहाँ जाएं? वो बंदा तो नहीं आया जो मतलब दिहाड़ीदार है? दिहाड़ीदार ये मैं दिहाड़ीदार ही हूँ, मैं दिहाड़ीदार ही हूँ। मैं दिहाड़ी कमाते हैं, मैं को 2000 रुपया दिहाड़ी कमाता हूँ। 2000 से गुजारा नहीं होता? होता है तो आप बजट बना दें। मेरा अपना मकान नहीं है, मैं किराए के मकान पर रहता हूं। बात करूं कि 2000 से गुजारा नहीं होता? नहीं होता, किसी का भी नहीं होता आजकल के जो सूरत हाल है। और कहा यही जा रहा है कि इनसे जो 3-4 माह अगले हैं वो इंतहाई सख्त हैं, तो क्या बनेगा इस मुल्क का? ये हुक्मरानों को सोचना है, जो पहले हुक्मरानी करके गए हैं उनका एहतसाब होना चाहिए, उनसे जो माल उन्होंने खाया है वो बरामद करवा लें, मुल्क के हालात ठीक हो जाएंगे। और एक एक मैं आपको बता दूं, इन तमाम मसाइल का एक ही हल है कि अल्लाह की धरती पे अल्लाह के निज़ाम को कायम कर दिया जाए, तो तमाम मसाइल का हल है। सूद ख़त्म कर दें, आज ही आप देखें कि अल्लाह की रहमत कैसे नाजर। रास्ता का निज़ाम होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अगर वो निज़ाम आ जाता है तो मुल्क में तब्दीली आएगी? बिल्कुल आएगी, उसी निज़ाम से तब्दीली आएगी। बात करते हैं और उनसे भी जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से आए हैं आप? मॉडल टाउन लाहौर से। मॉडल टाउन लाहौर से। सर मुझे ये बताएं कि आज का जो आप धरना दे रहे हैं ये कितने दिन तक जारी रहेगा, और जिस वक्त मुल्क की जो हालात हैं इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? जी ये हम अपने अमीर जमात इस्लामी जनाब सराजुल हक साहब के अपील पर हम धरना दे रहे हैं, और इसका आगाज़ पेशावर से हुआ है और अभी ये दूसरा मरहला चल रहा है। और हमारा मकसद यही है कि जो इतनी ज़्यादा महंगाई कर दी गई है, पेट्रोल महंगा है, डीजल महंगा है, बिजली महंगी कर दी गई है, इसके खिलाफ़, महंगाई के ख़िलाफ़ हम धरना देने जा रहे हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो निगरान वज़ीर आज़म साहब आए हैं, इसको किसने नहीं कि इजाज़त दी है कि ये अमेरिका के दौरे करे, ये आए हैं और अपना यानी कि क्या ना इंतखाबात कराए और चले जाए यहाँ से। इनको नहीं होते नज़र आ रहे, वो तो नहीं नज़र होते रहा, वो भी हम भी जानते हैं नहीं होते नज़र आ रहे हैं, लेकिन इनका जो निगरान वज़ीर आज़म का काम तो यही है। जमात इस्लामी सराजुल हक साहब ये ऐलान कर दें कि 6 माह यहीं पर बैठना है, तो आप बैठे रहेंगे? बैठे रहेंगे इंशाल्लाह, हम साल तक भी बैठे रहेंगे इंशाल्लाह। कायद के हुक्म पर आप तैयार? बिल्कुल तैयार है इंशाल्लाह। कारकुनान जो है वो अपना कायद के हुक्म पर जो है वो तैयार है, वो कहते हैं कि अगर एक साल भी इस जहाँ पर बैठना पड़ा तो हम बैठेंगे। और भी कुछ लोग हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। सर मुझे बताएं कि आज को जो आप धरना दे रहे हैं, इस धरने का मकसद क्या है, और इस धरने का कोई हाल भी निकल रहा है? हाल तो सर जमात इस्लामी है, इधर आएँ। जी जी जी, ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, हाल जमात इस्लामी है,
और इस वक्त जो लोगों की आवाम की जो सिचुएशन है वो मेरे ख्याल में किसी से ढकी छुपी नहीं है। बच्चों की फीसें, घर का किचन, कोई भी चीज़ जो है ना, बिजली का बिल, कोई चीज़ पूरी नहीं हो रही। और अब तो आवाम इसके अलावा इशू का उनके पास कोई हल भी नहीं है कि वो हल जमात इस्लामी है। जमात इस्लामी है दूसरे नंबर पे। लोगों के पास एक ही ऑप्शन है, दो ऑप्शन है, या तो खुदकुशी करे या घर से बाहर निकले और इन हुक्मरानों को गिरबान से पकड़े और घसीट के नीचे उतार दें। ये मतलब है कि आपके मुतालबात नहीं मानते तो इसका जो धरने का दुरानिया उसको बढ़ाया जा सकता है? असल में ये तो पूरे पाकिस्तान में चल रहा है। पेशावर में ख़त्म हुआ है, आज लाहौर में शुरू हो गया, आगे बलोचिस्तान है, बलोचिस्तान से कराची शुरू होगा। तो ये एक सिलसिला जारी है। उसके बाद अगला लाए अमल कि भाई अगर ये 2500 करोड़ आवाम की ये आवाज़ है, ये जो जमात इस्लामी लेके उठी है, ये 2500 करोड़ आवाम की आवाज़ है, उसी को लेके चलें। और आवाम इसमें शामिल हो रहे हैं, नौजवान शामिल हो रहे हैं और तलबा हैं, मजदूर हैं। रोटी रोटी गरीब की पुकार और जुल्म की इंतहा जी, बिजली, पेट्रोल, गुर्बत, मौत। सर आपने तो गले में रोटियां डाल रही हैं, क्या हुआ, क्या कहना चाहेंगे आप? सर हम क्या कहना चाहते हैं, हम बाहर इसलिए निकले हैं कि जो से महंगाई का इसका कंट्रोल वगैरह किया जाए हुकूमत के से, इतना है कि बिजली का जो इतने बढ़ती हुई कीमतें कम करें, तो पेट्रोल का जो से बढ़ते हुए रेट वापस लेके आए। रोटी डाल के एहतजाज कर रहे हैं जी, इसी तरह कर रहे हैं। करते क्या? मैं मजदूर हूँ सर। कितनी मजदूरी है? 1200 रुपये दिहाड़ी है मेरी सर। हाँ जी, 1200 रुपये। अब 1200 रुपये में क्या करें, बच्चों को बढ़ाएं, फीसें दें। उस 1200 में दिन में आप क्या क्या चीज़ लेते हैं? 1200 रुपये में घर का जो सीन है, घी लेते हैं, आटा आ जाता है, ये 2 किलो आटा ले लेते हैं भैया, घी आ जाते हैं। अब इतनी बड़ी फैमिली है, बच्चे हैं मेरे, 6 बच्चे हैं। 6 बच्चे हैं सर। इस वक्त आप जमात इस्लामी के धरने में आए हुए हैं, लगता है कि जमात इस्लामी इस मुल्क की तकदीर बदल सकती है? इंशाल्लाह, हम तो उम्मीद तो बड़ी है ये जरूर बदलेंगे। अगर ये आपके मुतालबात नहीं मानते तो फिर अगला हल क्या है? हमारा ये कि हर शहर में हमारा धरना होगा। धरना होगा जी। ये सख्त आप दे सकते हैं कि ये गले में रोटियां डाल के जो है ना वो एहतजाज कर रहे हैं और ये हाथ में उनके प्ले कार्ड है कि जुल्म की इंतहा, बिजली, पेट्रोल और गरीब की मौत है। ये सख्त सूरत हाल बन चुकी है, हर शख्स परेशान है। और हम आगे की तरफ भी जाते हैं और लोगों से बात करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। आज जमात इस्लामी ने अल्हम्दुलिल्लाह ये तहैया किया है कि अवाम की इस वक्त जो ऐसी सूरत हाल है कि अवाम को जो है वो चक्की के 2 पार्टों के अंदर पीसा जा रहा है। अवाम को जो है वो बिजली के बिलों के अंदर बेजा टैक्सी की भरमार की जा रही है और उसके साथ साथ जो है वो पेट्रोल की कीमतों में होशरबा इजाफा किया जा रहा है। इस सारे सिनेरियो के अंदर जमात इस्लामी इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस मुल्क के अंदर जब तक नेक और साले लोगों को नहीं ले आती और जब तक हुकूमत से अवाम को रिलीफ नहीं दिलवा देती, ये धरना भी जारी रहेंगे और ये तहरीक भी जारी रहेगी। और सराजुल हक साहब की क्यादत में हम इंशाल्लाह हुकूमत को मजबूर कर देंगे कि वो बिजली के अंदर भी रिलीफ दें और इलेक्शन भी करवाएं। जो बंदा अपने हक के लिए निकलता है उनको तो गिरफ्तार कर रहे थे, फिर गिरफ्तारी के लिए तैयार है? जी बिल्कुल तैयार हैं। आज भी कोई गिरफ्तारी करने लगे थे? जी जी बिल्कुल हम तैयार हैं, हम जेल भरो तहरीक चलाने के लिए भी तैयार हैं और क्यादत कहेगी तो इंशाल्लाह हम जेल भरो तहरीक भी चलाएंगे और हम जमात इस्लामी की क्यादत के साथ जीने मरने के लिए तैयार हैं। सर अगर 1 साल के लिए आपको यहाँ पे बैठना पड़ता है या फिर आपके जो मुतालबात हैं वो नहीं माने जाते तो फिर अगला हल क्या है? देखें क्यादत अगला हल बताएगी, चूँकि पहले एक शटर डाउन की हमने, शटर डाउन के अंदर हमारे मुतालबात नहीं माने गए और अब जो है वो क्यादत ने चारों गवर्नर हाउस के ऊपर धरने का ऐलान किया है और उसके लिए भी हम तैयार हैं। इसके बाद इंशाल्लाह अगला जो भी लाहे अमल होगा हम अपनी क्यादत के शाना बशाना खड़े होंगे इंशाल्लाह। क्यादत के साथ शाना बशाना खड़े रहेंगे। इस वक्त जो है वो धरना जो है दे दी गया है, मुख्तलिफ शहरों से जो लोग हैं वो इस धरने में शिरकत कर रहे हैं और भी लोगों से बात करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि हाल तो सिर्फ जमात इस्लामी है लेकिन बढ़ती महंगाई पर आवाम क्या कहती है, कितनी परेशान है और इस वक्त किस दुख में है, आइए आवाम से बात करते हैं। बाबा जी हमारे साथ मिले हैं जिनके अपना गले में जो है सारे बिजली के बिल हैं, लगता है पूरे मोहल्ले के बिल उठा के लाए हैं। काकड़ हुकूमत ने निकाल दिए कड़ाके। बाबा जी कितने कड़ाके निकले हैं? अवाम के कड़ाके निकले हैं, बल्कि इतने कड़ाके निकले हैं कि अवाम बिल बला उठी है, इतने ज़्यादा बिल देने पड़ रहे हैं, इतने ज़्यादा रकम में कि बिजली का बिल जो है ना वो अदा करते करते बाकी सारा घर का बजट जो है ना सत्यानाश हो जाता है उसका। ये बताएँ कि जिस तरह बिजली के बिल आए, पेट्रोल मुसलसल बढ़ा रहे हैं, ये मुल्क किस तरफ जा रहा है?
मुल्क जो है ज़ाहिर है सीधी सी बात है मजीद मुसीबतों की तरफ जा रहा है। और कहाँ अब मेरा वतन है, मेरा पाकिस्तान है, मैं तो उसको इसके लिए ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर सकता जिससे मेरे मुल्क की बेइज्जती हो, लेकिन इनको भी शर्मों को हुक्मरान जो सबका थे पीटीएम वाले वो भी और अब जो मौजूद हैं निगरान हुकूमतों के नाम आए हुकूमत निगरान बन गए हैं इलेक्शन करवाने, लेकिन कर रहे हैं सिर्फ महंगाई और कुछ नहीं इसके अलावा। यही वजह है कि इतने ज़्यादा बिल आ रहे हैं लोग, क्या पूरी कौम जो है बिलबिला उठी है और इसके अलावा कुछ नहीं कर सकती। अगर पहले सुप्रीम कोर्ट की तरफ देखते हैं तो वो भी अपने आर्डरों पर अमल नहीं करवा पाती, दूसरी तरफ फौज जो है उसके हाथ में डंडा है, हमें सिर्फ बर्दाश्त करना है और कुछ नहीं। पहले भी इतनी देर से ये लोग इत्तेजाज कर रहे हैं लेकिन उसका असर कोई नहीं हुआ, पिछले महीने के बिल अदा किए हैं लेकिन कोई उसमें कमी नहीं की गई और ना ही अंधा कमी होती नज़र आ रही है। इसलिए मजबूरन ये फैसला किया है कि अब हमें सड़कों पर रहना होगा, क्योंकि घर में भी रहेंगे तो पंखा चलेगा बिल आएगा, इसलिए बेहतर है कि सड़कों पर रहा जाए ताकि इत्तेजाज भी किया जाए और अंधा के लिए बेहतरी की तलाश भी की जाए। अच्छा मुझे बताएं जिस तरह आपने ये बिल गले में डाले हैं, ये गले में बिल डालने के काम भी बिल डालने का मकसद ये है ना कि लेकिन वो शहबाज शरीफ चला गया IMF से मुआहदा करने, तो मैं उससे मुतालबा कर रहा हूँ कि जो उसने अपनी भतीजी या और कोई बयानी है मेरे साथ ब्याह दे ताकि मेरे बिल देने में तो आसानी हो ना, मेरे पास तो इतने वसाइल नहीं है कि बिल दे सकूँ। हाँ अगर वो उनका वो क्या नाम है सफदर भाग गया तो मरियम से मैं भी 60 साल का हूँ करवा दे मेरी शादी तो मेरे बिल तो देने में आसानी होगी ना, ये मेरा एक अलामती जवाब है इसके लिए। अच्छा मुझे बताएं कि जिस तरह ये कहा जा रहा है कि ये 4 माह फिर जो है ना मजीद इंतहाई सख्त हैं, मतलब है कि महंगाई और बढ़नी है, तो ये धरना फिर देते रहेंगे? भैया ज़ाहिर है अगर ये महंगाई करते रहें तो हम चीहे मारते रहेंगे बिलबिलाते रहेंगे और क्या कर सकते हैं, पूरी पाकिस्तानी कौम बिलबिला रही है और इन्होंने हमें ज़िबा कर दिया IMF के आगे, तो हमने बिलबिलाने ही और क्या करना है। बिल्कुल इस वक्त जो है एहतजाज जारी है और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब जी क्या हाल है? शुक्र है अल्लाह। कहाँ से आए आप? कंगनपुर से। कंगनपुर से? हाँ जी। क्या करने आए इधर? इधर जलसे में है, महंगाई की खातर आए हैं। महंगाई के खिलाफ आए हैं? हाँ जी। महंगाई बहुत हो गई है? बहुत हो गई। पेट्रोल बात किया है? हर चीज बात की है। हर चीज बात की। आखना चाहोगे ऐसे? यही आखना चाहना है कि गरीबों को रिलीफ दिता जाए, आवाम को यह आखना चाहना कि जमात इस्लामी की सपोर्ट की जाए ताकि मुल्क अमन कायम हो सके। हाँ जी इन्ह लोगों ना मुल्क की परवाह है ना इन्होंने आवाम की परवाह, इन्होंने सिर्फ आपकी जेब की परवाह है। जिन्हें भी लुटेरे आते हैं मुल्क सारे आपके जेब लुटन वास्ते आते हैं, जेबा भर के बरतानिया तो फलाने मुल्क निकल जाते हैं।